और देखिए अच्छी कोशिश की गई है और बहुत मीनिंगफुल ये थॉट है, बहुत अच्छा अच्छी टॉपिक है। तो पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और जो डायरेक्टर है अभिषेक जी, उन्होंने अच्छा काम किया अपना, मैडम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू। तो ओवरऑल और कुल मिला के बहुत सब ठीक ठाक है। अच्छा मैडम, आप बताइए गाना कहाँ से कोट आया? काफ़ी अच्छा मेकिंग है, काफ़ी बेवफाई भी है जी। कहाँ से जहन में आया आपके गाना कोट? एक्चुअली कैसा है कि हमें ये था कि थोड़ा सा कुछ अलग भी म्यूज़िक लाए जाएँ। तो नॉर्मली ऐसे आजकल बहुत कम आते हैं वीडियोस, तो जो मेरे डायरेक्टर अभिषेक बसु हैं, तो उनको एक ये उनके थॉट था कि एक ऐसा सॉन्ग मैं प्लान कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे भेजा और मैंने सुना तो मुझे भी अच्छा लगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम करते हैं, और अभिषेक जी के साथ में मेरी काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी और उनका ये था कि हम मिल के साथ में कोई एक प्रोजेक्ट करते हैं। तो गाना बना, फिर रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होके भी अच्छा लगा, और बाकी उन्होंने जैसी स्टोरी लाइन इसकी डिसाइड करी, फिर इसका जो आपने अभी देखा ही है कि जो इसका पिक्चराइजेशन हुआ है, तो वो सब आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है। तो अच्छा रहा, इसकी जो जर्नी है वो देखने में तो हमें 4 मिनट में कैसा फिनिश हो जाता है, लेकिन हमने इसको ये समझ लिया कि 2 रात और 2 दिन पूरा टाइम इसमें हमारा इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि हमारा कॉल टाइम ही 2 बजे का था फर्स्ट डे का, और 6 बजे हम लोकेशन पे पहुंच गए थे, मॉर्निंग का शॉट था इसमें, एंड बिना किसी रेस्ट के। फिर हमें सेकेंड डे जो हमारा शूट था वो काफ़ी दूर था, क्योंकि एक आइलैंड पे था वो, तो वहाँ पे हम वहाँ जाने के लिए हमने 4 o'clock घर छोड़ दिया और वहाँ पहुँचे हम 9 बजे 10 बजे। फिर वहाँ शूट करते करते हमारा पूरा दिन गया, क्योंकि बहुत वहाँ पे तेज़ हवा चल रही थी उस दिन, उसके वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही थी, लेकिन फिर भी हुआ, जिसका रिजल्ट आपने देखा है और आपके सामने है, और आई थिंक बाकी जो हमारी ऑडियंस है वो भी देखेगी तो उसे भी अच्छा ही लगेगा। और एक जो एक्टर है, जो आर्टिस्ट है, उसकी तो यही होप होती है कि उसके काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उसे पसंद करें, ये उसके लिए बहुत ही मोटिवेशनल थिंग होती है। बैक टू बैक गाने आ रहे हैं, इस खुदा के इसके पहले इस गुना जी, उसके गुना आई, इसके बाद आई रही, फिर दूसरा सेकंड गाना है बैक टू बैक, कितने एक्साइटेड है, मतलब फिर इसके बाद क्या होगा, किसके साथ कोलैबोरेट होगा जी? एक्चुअली आ गए हैं, ये मेरा 3रा गाना है, इश्क गुनाह सेकंड था, उससे पहले मेरा क्यों टू म्यूजिक वीडियो आया था जो मेरे ही चैनल पे रिलीज़ हुआ था। और इश्क गुनाह है जो है वो तो राहुल राय आशिकी फेम के साथ में था, उसके डायरेक्टर अजहर हुसैन थे, और ये जो है ये थोड़ा अलग है। इसके बाद जो हम प्लान करेंगे वो अभी हमारा कुछ फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक कि और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे, और अजहर हुसैन के साथ भी इन फ्यूचर करने का प्लान है मेरा, तो वो भी हम करेंगे। कहाँ पे शूटिंग करने का प्लान है? काफ़ी खूबसूरत आईलाइन और दिखा गया, काफ़ी मतलब जो लोकेशन था मेकिंग काफ़ी प्यारा लगा जी। तो अभी नेक्स्ट गाने में शूट कहाँ कहाँ करने वाले हैं, और ये तो इसके बारे में बताइए कहाँ कहाँ पे किए थे आपने काफ़ी? तो आप लोगों को ये जो लोकेशन थी ये शायद अच्छी लगी ना, आई थिंक, क्योंकि ये एक वर्जिन आइलैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं जो गाने में लोकेशन लूँ वो थोड़ा न्यू हो, यूनिक हो, तो जिससे ऑडियंस को जो है इंटरेस्ट और आता है और कनेक्ट होती है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगी। सुफिया जी, आप बताइए गाना आपने देखा कैसा लगा और क्या फील कर रहे हैं, मतलब इस टाइम कितना गाना बहुत कमाल का था। रागन कना एक बहुत ही अलग ढंग से इसको फिल्माया गया है, मैं शाहीन जी को बहुत बधाई देता हूँ और उनकी बेटी वीजा जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, इतनी खूबसूरत इन्होंने तरीके से इसको शूट किया है और नेचुरल लोकेशंस पे शूट किया है, किसी सेट पे नहीं, तो ये एक और ही एक टेक्स्चर दे देता है किसी भी फ्रेम के अंदर, तो बहुत ही अच्छा लगा। एक जो आपने एक सीरियसनेस को पकड़ के रखा था स्टार्ट टू एंड, तो वो एक वाकई काबिल तारीफ है एक बतौर एक्टर। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शाहीन जी को ढेर सारी गुड विशेष आगे जितने भी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं।
और मैंने सुना है आप बहुत सारे प्रोजेक्ट अजहर भाई के साथ नेक्स्ट करने वाले हैं जी, करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एडवांस में उस सब प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, थैंक यू सो मच। सर अली सर आप बताइए, मतलब आप भी काफ़ी सारे इनके साथ कोलैबोरेट किए, कई सारे गाने की, अगला नेक्स्ट क्या होने वाला है? नहीं बस हम तो मतलब पता नहीं क्यों ये छोटे जो वीडियो एल्बम वगैरह जो होते हैं उसमें क्यों फिट नहीं बैठते हैं, अजहर को पसंद नहीं होंगे क्या? मुझे हमेशा से अजहर मुझे हमेशा से बाइट्स के लिए बुलाते हैं, हाँ सूफिया उसमें फिट चाहेंगे, पता नहीं अभी इन्होंने रूबरू देखा तो शायद कुछ कोई रोल मुझे मिले। एक्चुअली देखिए ये आजकल ये ट्रेंड चल रहा है इस तरह का वीडियो एल्बम बनाना, म्यूजिक एल्बम, और ये ज़रूरी है नए चेहरों के लिए, नए लोगों के लिए, अपनी बात को आप कह सकते हैं। बेशक ये 3-4 मिनट का है लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होती है बहुत कमाल की मेहनत होती है, और मतलब यही है कि बस इसी तरह से काम करते रहें और हम लोग भी काम करें। अगर अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो इंशाल्लाह आपके साथ एक वीडियो फाइनल बस एकदम देखो आप सबके सामने मीडिया के सामने लोग गा के, क्योंकि देखिए मेरी तो शुरुआत ही बड़ी फिल्मों से हुई, खुदा गवाह, सरफरोश, कोहराम, 150-200 फिल्मों में एज ए विलन मैंने काम किया, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि टेलीविज़न में बहुत काम चला, बहुत काम किया, फिर कोई दौर ऐसा आया कोई रीजनल फिल्मों का, उसमें बहुत काम किया, तो अब मुझे लगता है कि इस एज में ऐसे वीडियो एल्बम में काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अजहर हमें हमेशा बुलाते हैं, सुफियान को प्रमोट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। सर आप म्यूजिक वीडियो में मतलब इंजॉय करते हैं आप, क्योंकि करने वाले भी शायद, तो ट्रेंड जो चल रहा है मुझे वीडियो का, कितना आप एंजॉय करते हैं? देखिए वक्त के हिसाब से तो चेंज होना ही चाहिए, ऑफकोर्स एक ज़माना था कि बड़ी फिल्में बनती थी, बड़े बड़े कलाकार होते थे, फिर एक एवरेज फिल्में बनने लगी, उसका दौर था, फिर जैसे लव स्टोरी एक ज़माने तक चली, आज भी चल रही है, सीरियस फिल्में भी आई, तो अब ये दौर जो है म्यूज़िक वीडियो फिल्म का और ये बहुत सक्सेस हो रहा है, बहुत लोग जितने भी न्यू कमर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं अपने आप को पर्दे पे देखूं, बेशक 3-4 मिनट के लिए, लेकिन अपने आप को देखूं कि मैं मेरे अंदर कितनी सलाहियत है, मैं आगे बढ़ सकता हूं या नहीं, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट। साईं जी आप बताइए गाना कभी तक लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब कभी रिलीज होने वाला किस चैनल जी? गाना जो है आज रात में ही रिलीज हो जाएगा। क्या बात जी, और आप लोग रात से या कल सुबह से देख सकते हैं। कौन से मतलब कंपनी होगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर? अभी अभी तो आज तो रात में ये मेरे ही यूट्यूब चैनल विशा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स पर मैं रिलीज़ कर रही हूँ, एंड आई थिंक 10 या 15 दिन के अंदर ये OTT पे भी आ रहा है, तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, MS प्लेयर और हंगामा, ऐसा जो जो होते हैं सारे ना, उन सब पे आने वाला है, 8-10 OTT पे ये आ रहा है, तो उस पे भी आएगा, ये मेरा फर्स्ट है जो ये विशा पे भी आएगा और ये OTT पे भी रहेगा। विशा फिल्म और क्या क्या करने वाली है अजहर जी के साथ में, और आप पिक्चर, म्यूजिक वीडियो, वेब सीरीज, क्या क्या प्रोजेक्ट होने वाले हैं जी? एक्चुअली विशा का ये म्यूजिक वीडियो ही सिर्फ नहीं है, विशा ने म्यूजिक वीडियो से पहले जो है एक वेब सीरीज में एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किया है, वो इस साल आ जाएगी, वो थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह के वजह से उसमें कुछ थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसका नाम है कर्मा, तो उसकी भी विशा में वो आएगी, विशा के उसमें, और वो कंबाइंड है हमारे दो प्रोड्यूसर के बीच में, एंड एक जो है वो फिल्म है कुहर, वो भी आई थिंक 2023 तक आ जाएगी, तो एक फिल्म भी आ रही है हमारी और ये बड़ी फिल्म है, और इसके अलावा जो है एक शॉर्ट फिल्म हमारी वो भी कंप्लीट है, तो वो भी हम आई थिंक नेक्स्ट मंथ रिलीज करने के प्लान में, पूरी तैयारी हमारी है जी, तो वो भी हम रिलीज़ करेंगे, और इन फ्यूचर तो बहुत सारी प्लानिंग है, और मेरा जो मेन जो थॉट था कि मैंने जो अपना चैनल जो शुरू किया उसके पीछे अपना प्रोडक्शन जो शुरू किया उसके पीछे मेरा मेन थॉट ये था कि जैसे मैं थी और मैंने अभी काम शुरू किया है, तो मुझे ये है कि मैं अपने साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को मैं काम दूं, तो मैं जो मतलब ये जो मेरी जिस जो सोच है उसको मैं हमेशा कायम रखूंगी और करूंगी मैं, और मैं दे भी रही हूँ, अभी तक मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग जो मेरे साथ में हैं तो आई थिंक उन्हें काम
मिल ही रहा है, तो ऐसे ऐसे मैं करूँगी। और जो न्यू कमर्स हैं जिनमें टैलेंट है, मुझे लगता है कि वो नहीं बड़े बैनर तक जा सकते हैं, या तो हम लोग उनके साथ भी उन्हें भी चांस देंगे। अली सर, आप काफ़ी पुराने हैं, मतलब आज हमारे बीच राजू श्रीवास्तव जी जो दुनिया भर साथ थे, आपने काम भी किया होता, तो कैसा मतलब कितना नर्वस फील हो रहा है इमोशनल? देखिए, हम लोग कोशिश पूरे दिन भर, हम लोग सब लोग शॉक्ड रहे, पूरी इंडस्ट्री शॉक्ड है। हमने तो, हमारा तो उनका रिश्ता 40 से 42 साल का था, वो भी नए नए कानपुर यूपी से आए थे, मैं बिहार से आया था। हम दोनों ने इस इलाके में बहुत स्ट्रगल किया, उस ज़माने में आदर्श नगर में हम लोग संघर्ष करते थे, बहुत सारी ऑफिसेज में साथ जाते थे, बहुत सारे फिल्मों में काम किया, बहुत सारे शोज़ में काम किया। लेकिन मैं शुरू से ये कहता था कि राजू भाई जो है एक बहुत साधारण फैमिली से, एक साधारण इंसान, लेकिन उनके आँखों में, उनके चेहरे में कुछ ऐसी झलक होती थी कि हम सब लोग कहते थे कि आदमी एक न एक दिन अपना झंडा गाड़ेगा। और बहुत नाम किया उन्होंने, बहुत कमाल के वर्सटाइल एक्टर, कॉमेडी किंग कहे जाने लगे। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ फिल्म इंडस्ट्री का। और हमने अभी 2 महीना कबल हम सब लोग यहाँ पे एक फंक्शन में थे, हम दोनों तकरीबन 2 घंटे हम साथ रहे, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि आप गदर 2 के लिए लखनऊ में इतने दिनों तक रहे, अली भाई हमसे मिलने भी नहीं आए, तो कॉल करना चाहिए था। बहुत नेक इंसान थे, बहुत हम्बल इंसान थे, और हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते थे। एक ज़माना जब वो टॉप पे थे, बहुत हाई प्राइस लेते थे, लेकिन हम लोग जब उनके सामने गए कि सामने वाले का ये बजट है, तो कभी उन्होंने ना नहीं किया। तो ये ज़माना था कि 10,000 से शुरू किया था और 12-15 लाख तक वो लेते थे एक शोज़ का। तो एक बहुत पुराना रिश्ता था, और बस यही उनके लिए दुआ कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे और एक परिवार को उनके ये दुख सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। हमने एक्चुअली एक बहुत अच्छे कलाकार को खोया, फिल्म इंडस्ट्री शॉक्ड। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे और या गाने के बारे में कुछ 2 लाइन याद हो तो? गाने के बारे में 2 लाइन मतलब सेट है कोई इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखद जी। देखिए, ये तो वही है कि शॉकिंग है, और आज सुबह ही मुझे जब मैंने जैसे ही इंस्टा देखा तो मुझे ये न्यूज़ दिखी, तो पहले तो मुझे लगा कि शायद फेक हो, लेकिन थोड़ी देर में ही कन्फर्म हो गया कि नहीं, ये फाइनल है। तो मैं अच्छा नहीं फील कर रही थी, मुझे सैड फील हो रहा था। और मेरी एक फ्रेंड है, वो इनकी रिलेशन में भी है, वो मेरी फ्रेंड भी है, तो मैं उसको मिलने भी गई, तो अच्छा तो नहीं लगा। और ख़ास तौर से जब कोई हंसाने वाला, जिसके साथ आपने एक साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके हंसा हो उनके शो देख करके, और बहुत बुरी तरीके से हंसा हो आपने पूरी फैमिली के साथ मिलके, जब ऐसे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं हमें छोड़ करके, तो हमारे लिए थोड़ा यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने हम सबको हंसाया और आज हम सबको रुला कर चले गए। और देखिए, मौत तो हर इंसान को एक ना एक दिन आनी है। राजू अंकल को खोने का गम तो मतलब बहुत ज़्यादा हर किसी को है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपनी कॉमेडी में भी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कॉमेडी के अंदर ये होता है कि एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है, बट वो मिमिक्री करते थे तो बाइक की मिमिक्री करते थे, कार की मिमिक्री करते थे, मतलब कौन बुरा लगाएगा, ठीक है? मतलब स्कूटी बाइक से बात कर रही है कि तेरा पेट निकला, मतलब हम एक दूसरे की मजाक में कुछ भी कह देते हैं अनशन। आजकल तो गालियों का ट्रेंड चला है कॉमेडी के नाम पे, तो उन्होंने जिस तरीके की कॉमेडी, आजकल अगर आप इंस्टा या फेसबुक खोल के देखें तो गजोधर और ये सारे जो नाम गूंज रहे हैं पूरे इंस्टा पे या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो ये सारी देन, ये सारे शब्द, ये सारी सोच उस इंसान की है जो हमें हंसना सिखा कर चला गया। तो बहुत गमगीन माहौल है, ये तो शाहीन जी और अजहर भाई की मोहब्बत है, वरना आज कहीं जाने का मन नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी शॉक में है, शोक में है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ ही समय पहले की बात है, हम एक वेडिंग में मैं खाना खा रहा था और राजू जी निकल रहे थे, तो पापा ने कहा कि सुफियान आ रहा है, 2 मिनट रुकिए। अब मुझे आते आते
10-15 मिनट लग गए, लेकिन वो रुके रहे अपनी कार के पास, मेरा वेट करते हुए मुझसे मिले। तो मतलब इतने हम्बल और इतने डाउन टू अर्थ इंसान को हमने खोया है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। स्पेशली जो उनका वो उनको देखते मुझे हंसी आ जाती, बड़े आराम से वो जैसे ही बैठते थे और वो अपने दोनों हाथों को यूं जो ऐसे करके वो कर, तो बहुत ही वो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो उनका एक स्पेशल आई थिंक सिग्नेचर था, तो नहीं भूलेगा। देखिए, जैसे कि बहुत सालों से मानते चले आ रहे हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, और जहां नारी है वहां सब कुछ भारी होता है, तो यहां तो एक नारी नहीं बल्कि दो दो नारी है, तो स्वाभाविक तौर से रागन कना कितना भारी होगा ये हम समझ सकते हैं भाली भांति। और इसके अतिरिक्त यहां एक हमेशा अजहर भाई हमेशा कुछ न कुछ नया देने में लगे रहते हैं, उनका प्रयास निरंतर कुछ नया देने को है। और मुझे पूरा यकीन है, जैसे कि ये टाइटल दर्शाता है रागन कना, तो ये अपने आप में टाइटल ही एक अद्भुत है, और ये कुछ नया देगा, नया पायदान खड़ा करेगा, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। यकीनन अजहर भाई कुछ नया लाते हैं, लाते रहे हैं और लाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके आगे शख्स पे मुझे शख्स याद आते हैं, अली खान जी यहाँ आए हैं और उनके जमाई राजा दामाद यहाँ पधारे हैं। सूफियान जानता हूँ मैं, बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन मैं बोला पहले बता दूँ लोगों को सूफियान है कौन, कि दामाद है। और जब दामाद का फरियाद आता है और पापा आते हैं, पापा के साथ बेटियाँ आई हुई हैं, बेटा आया हुआ है, तो वहाँ तो फिर दामन हमेशा भरा हुआ रहता है, और ये छोला दामन का रिश्ता हमेशा चलता रहे। और अजहर भाई यूं ही उनकी झोली में बरकत हमेशा आती रहे, और सीधी सी बात है, अजहर भाई की नेक हरकत हमेशा बरकत को ही दस्तक देगी। और बाकी आप बोलें। सो मैं विशा फिल्म्स की प्रोड्यूसर हूँ, रागंकना मैंने प्रोड्यूस किया है, मतलब हमने प्रोड्यूस किया है शाइन में। तो अभिषेक सर जो है, जो इनके डायरेक्टर हैं अभिषेक बसु, उनकी शाइन मैम से काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, वो एक इवेंट में मिले थे कि कुछ करते हैं साथ में, कुछ प्लान करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो म्यूज़िक वीडियो में और म्यूज़िक फ्लेवर में, जैसे क्लासिकल भी हो लेकिन वो बोरिंग वाले क्लासिकल ना हो, कुछ नया हो, सो एक डिफरेंट स्ट्रीम का। तो शाहीन मैम, म्यूज़िक अभिषेक सर ने डिस्कस किया, ये म्यूज़िक के साथ आया, तो मैंने इन्होंने मुझे सुनाया, तो मैंने सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये कुछ अलग है और इसका ग्रैंड्योर भी गाने का अलग है, तो ट्रीटमेंट भी वैसा चाहिए होगा। सो मिलके हम लोगों ने डिस्कस किया, अभिषेक सर ने स्टोरी लाइन बताई, बिकॉज ही इज म्यूज़िक डायरेक्टर ऑल्सो एंड द वीडियो डायरेक्टर ऑल्सो ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो, एंड उन्होंने शाहीन मैम को जो रोल दिया, लाइक पूरे में सीरियस ही रहना है एक रागंकना जो, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक वो मूवमेंट कि जब आप कुछ भी इतना टूटते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आप वो नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर की कॉलिंग होती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ गलत नहीं करनी है। ये जो स्टोरी लाइन थी, थॉट था उनका, वो इस म्यूज़िक वीडियो में दिखाने की कोशिश की है एक मैसेज के साथ। सो वो बहुत अच्छा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, शूट बहुत अच्छा हुआ, टीम बहुत अच्छी थी, हमने फर्स्ट टाइम टीम के साथ काम किया, थोड़ा लैंग्वेज वगैरह में भी मजाक भी हो रहा था, बिकॉज दे आर ज़्यादातर बंगाली में बात कर रहे थे, आधी बात हमें समझ में नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे उनको पूछना पड़ता था कि भाई बात क्या करी है, आपने करना क्या है। सो इस तरीके से था, हमने कलकत्ता में शूट किया, कलकत्ता के पास में वर्जिन आइसलैंड है, हम वहाँ गए, दिन का शूट था, पूरा कड़ी धूप थी, तो उसमें वो सीक्वेंस करना, डांस सीक्वेंस करना उतने हैवी गाउन्स एंड ऑल के साथ, तो पहले तो एक पल को पहुँच ही लगा कि हो ही नहीं पाएगा, फिर लगा नहीं। तो सबकी एनर्जी देखी टीम की, नहीं काम करना है और अच्छा काम करना है, तो सबने किया। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, और बींग लाइक विशा फिल्म्स का एंड एंटरटेनमेंट्स का जो एक मोटो रहता है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ थोड़ा अलग भी करना है कि हमें क्या पसंद है, बिकॉज हम जो देखते आए हैं कुछ चीज़ें नए दौर में चेंज हो गई हैं, पर पुरानी कुछ चीज़ें जो हमें पसंद है उनको कैसे नए दौर में लाना है और उनको प्रेजेंट करना है, वो कोशिश रहती है। नए लोगों के साथ काम करना, नई टीम, सबके मौका देना, वो हमारा एक मोटो है, कोशिश रहती है। तो जो भी पुराने लोग हैं जो अच्छे लगते हैं और जो नए लोग हैं जिनको मौका चाहिए, उन सबके साथ मिलके काम करने की बस यही कोशिश है। जो इस
इसका मतलब ये नहीं कि जिनको हम नहीं लेंगे वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। डिपेंड करता है रोल में क्या फिट होता है, ये टीम में क्या फिट होता है, क्योंकि टीम में सबका एक दूसरे से कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी कोई प्रोडक्ट अच्छा निकल के आता है। सो जब जो जैसा फिट होता है बस वो आ जाता है। थैंक यू। क्या आपको क्या रिक्वायर्ड था, मतलब आर्टिस्ट जिससे आपको सर्टिफिकेशन मिले गाने की? रिक्वायरमेंट गाना आगे रेडी हो चुका है, मतलब एक रिक्वायरमेंट ये थी कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कुछ अलग। तो इनफैक्ट हमने इस म्यूज़िक वीडियो को बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में भेजा, केन्स में भेजा, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में भेजा और भी कई में भेजा। तो दादा साहेब फाल्के में ये नॉमिनी में आया प्रोजेक्ट रागंकना, सो विच वॉज अ लाइक ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। एंड केन्स में ये फाइनल टू टॉप टू में था म्यूज़िक वीडियो में, सो वो भी एक था कि हमारा काम ठीक है, हम इतना ही कर रहे हैं पर जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और रिकग्निशन मिल रहा है। सो इसी तरीके से और हमारे प्रोजेक्ट को वन अर्थ म्यूजिक अवार्ड में अवार्ड मिला है फॉर होल म्यूजिक वीडियो। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, मतलब छोटी नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी चीज़ें हैं हमारे लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। और ओवरऑल मैं कहूँगी जो एक मोटो है कि जो अपने साथ के लोग हैं उनको साथ लेके चलना है, जो अच्छे हैं जिनसे बनती है, जिनसे नहीं बनती है कोई बात नहीं, सबकी सब हर कोई हर किसी से नहीं बना पाता। सो बस यही है, जो जहाँ है सब अच्छा करें, बस यही आशा है। अभी अभी तक तो ऐसा नहीं टाइम आया है, नौबत आई है कि, तो ऐसा हुआ तो नहीं है। मे बी मैं खुद ही, मेरी खुद की कंपनी है, खुद हम प्रोड्यूसर हैं, तो शायद इसलिए भी ना ज़्यादा प्रॉब्लम आती हो। और बाकी जो थोड़ी मोड़ी होती हैं तो उसे हम जो है काम का पार्ट ही समझते हैं, क्योंकि हर फील्ड में हर काम में थोड़ा बहुत तो चलता है। तो बाकी सभी कोऑपरेटिव रहे हैं, अजहर के भी साथ मैंने गाना किया था, वो भी अजहर बहुत कोऑपरेटिव रहा, अच्छा है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, मोटिवेट करता है, पॉजिटिव रहता है। सबसे बड़ी उसकी जो खूबी है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा जो और डायरेक्टर हैं वो भी अच्छे हैं और आई थिंक अच्छे ही हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं आई है। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, आज अजय जी के साथ उसी के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा? अजहर के साथ मतलब इट्स लाइक एक होता है चीज़ें हम प्लान करते हैं और एक होता है चीज़ें हो जाती है। तो एक होता है कि हाँ ऑन सेट कोई भी चीज़ जाएगी तो वो अच्छी निकल के आएगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, वो अजहर के साथ है। टेक्निकली अजहर बहुत स्ट्रांग है और टीम को कैसे हैंडल करना है, मतलब दोस्ती में भी डांट कैसे लगानी है कि बुरा ना लगे, उनको बहुत अच्छे से आता है। वो चीज़ एक सीखने की है कि डांट भी देंगे तो लगेगा कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, काम अच्छा होना चाहिए। अजहर की वो बहुत अच्छी बात है। और अभी रिसेंट में कुछ प्लान नहीं किया है, पर जब भी कुछ करेंगे कुछ धमाकेदार ही होगा, इश्क गुनाह की तरह। इश्क गुनाह में जो इन्होंने जो भी कलर थीम रखी थी उसके लिए काफ़ी पसंद किया गया उसको, और उसके बारे में स्पेशल लाइक भी मिले थे। अजहर को भी एक इंटरव्यू में लिया गया था तो बोला गया था, और इन्होंने जो वाइट थीम पे उस गाने में इश्क गुनाह है में शूट किया है वो बहुत टफ़ होता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से उसको शूट किया और निकाला है, तो वो इनके लिए आई थिंक काफ़ी है इनके काम को देखने के लिए। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ, बाकी तो सब काम। ये जो म्यूज़िक एल्बम बनी है बहुत ही प्यारी बनी है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा किया है। तो मेरी तरफ से जो रागन कन्ना की पूरी टीम को ढेरों सारी शुभकामनाएं है, आप ऐसा ही काम करते रहें और हम लोगों का ऐसा ही मनोरंजन करते रहें, क्योंकि ऐसे ऐसे म्यूज़िक एल्बम आ रहे हैं जो कि लव स्टोरी के ऊपर है या किसी और चीज़ के ऊपर है, लेकिन ये जो म्यूज़िक है, ये जो गाना है, ये कुछ अलग ही है। दूसरों को मतलब सीखने का कुछ एक मौका मिलेगा कि भाई अगर किसी के साथ आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो तो उसका इंजाम ये भी होगा। पहला गन हमारे हाथ में होती थी, अभी मैम ने भी गन उठा लिए हाथ में, तो देख लीजिए इसका आगे का इंजाम क्या होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये गाना आम पब्लिक को जो बहुत पसंद आए, और मैं पूरी टीम को ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसा ही काम करते रहें और हम सबका मनोरंजन करते रहें। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, अजय जी क्या कहना चाहेंगे आज रागन कन्ना म्यूजिक वीडियो रिलीज होने जा रहा है आज विषय फिल्म्स एंटरटेनमेंट में, यानी कि यूट्यूब चैनल पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो शाहिद जी के साथ मैंने इससे पहले एक म्यूजिक वीडियो किया था जिसका नाम था इश्क गुनाह है,
जिसमें इनके अपोजिट को स्टार थे राहुल रॉय, फेम ऑफ आशिकी। उसके बाद हमें उम्मीद थी कि वापस हम लोग फिर से काम करेंगे, पर शाहिन जी दूसरे प्रोजेक्ट में वापस से बिजी हो गई। मतलब काम तो करना ही था साथ में, पर ये रागन गन्ना म्यूज़िक वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक क्या होता है, डायरेक्टर चेंज होता है, क्रिएटिविटी चेंज होती है, उसकी काम करने का तरीका चेंज होता है, तो एक आर्टिस्ट को सीखने को मिलता है, एक सामने वाले सेकंड डायरेक्टर से आर्टिस्ट को सीखने को मिलता है कि मैंने पहला जो काम किया था, अब जो काम कर रही हूँ, आगे जो काम करूँगी, मेरा एक्सपीरियंस इसमें मॉडिफाई हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि आर्टिस्टों को एक ही डायरेक्टर के साथ नहीं, मल्टीपल डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का सेंस अलग है, क्रिएटिव चीज़ें अलग हैं। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ पिछला काम किया था, आगे भी काम करना चाहिए, इस बात के लिए कभी भी मेरी कोई शिकायत नहीं थी। और आने वाले फ्यूचर में कहूँगा कि आगे आप मेरे साथ काम करें या किसी और साथ भी काम करें, तो ना मुझे बहुत अच्छा लगा रागन गन्ना, क्योंकि इसकी लोकेशंस और एक्टिंग, मतलब शाहिन जी ने जो पिछले गाने में जो मेरे साथ काम किया था उससे थोड़ा सा अपग्रेड है। मतलब जिस तरह से काम करते जा रही हैं, अपने परफॉर्मेंस में अपग्रेडिंग करते जा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा काम इनका। और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, मेकअप वगैरह, टेक्नीशियन टीम और जो हमारे डायरेक्टर हैं इस रागन गन्ना के, उनको विश ऑल द वेरी बेस्ट भाई, बहुत अच्छा काम था आपका भी, और हम साथ में कोलैबोरेट करके भी काम करेंगे इंशाल्लाह विशा फिल्म के साथ, क्योंकि विशा फिल्म को हमें बहुत आगे लेके जाना है किसी भी तरह से, क्योंकि मेरी सिस्टर भी हैं और मार्केट में हीरोइन भी हैं, तो मुझे दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है कि मेरी बहन को उसकी प्रोडक्शन को आगे लेके जाऊँ और सपोर्ट करूँ। आज एक पूरा काफिला यहाँ पर बन गया था, अली खान जी, सुफियान कपाड़िया, राजकुमार कनौजिया जी, इतना समय निकाल के यहाँ पे मौजूद होना बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में, एक मौजूदगी है। और हम लोग बेसिकली आज शॉक थे क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हो गई, तो हम लोग सुबह से शॉक थे कि हम ये प्रोग्राम अपना आज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आज हमें गाना रिलीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट फाइनली हमें लगा कि जो संदेश देने का एक ज़रिया है वो मीडिया है, कहीं ना कहीं आज अपना हम गाना भी मार्केट में लेकर आ जाएंगे और हम राजू जी के लिए संदेश भी दे पाएंगे। तो राजू जी को हम लोग बहुत दिन से टच में थे उनके भाई दीपू श्रीवास्तव के जरिए, वो एम्स में थे, वहाँ पे पूरा परिवार वहाँ पे जमा था, तो वहाँ से हम लोग रेगुलर कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। कुछ वक्त पहले ऐसा लग रहा था कि राजू जी बहुत जल्द ही अब घर लौट के आने वाले हैं, मुंबई शहर में वापस से हम लोग मिलने वाले हैं, फिर से वही मजाक मस्ती और वो सारी जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में हम लोग अब बैठ के बातचीत करेंगे। पर आज का दिन जो मैंने देखा कि एकदम शॉकिंग, पूरा हिंदुस्तान मतलब श्रद्धांजलि दे रहा है उनको, बहुत प्यार कर रहा है, क्योंकि अचानक हंसाने वाला एकदम रुला के चला जाए वो बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं सभी को कहूँगा, आप सभी को, कि राजू जी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, उनको जन्नत में आला साला मुकाम दर्जा मिले उनको, और रागन गन्ना जो हमारा म्यूजिक वीडियो आया उसको भी प्यार दीजिए, शाहिन जी को प्यार दीजिए, मिशा फिल्म को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच राजकुमार जी, आपको मतलब इतना काफ़ी मतलब इमोशनल पल होगा, आपके मतलब एक दोस्त हैं, आप भी कॉमेडी करते हैं, हंसते हैं साथ। देखिए, मैं राजू भाई को जानता था पिछले 25 सालों से, और मेरा जब संघर्ष स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्री में, तब वो छुटपुट काम करने लगे थे, मैं तब से जानता हूँ, और हम एक ही शहर से हैं राजू भाई और मैं, कानपुर से हैं, और इसलिए उनका और मेरा एक दूसरे के घर आना जाना ऐसा घनिष्ठ संबंध था, और मित्रता के अतिरिक्त वो एक बहुत अच्छे फनकार थे, उसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है या बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज रही बात हमारे यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने की, तो वो इसलिए हमने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई है, ये बताने के लिए, जताने के लिए कि जो भी हो बट द शो मस्ट गो ऑन, और बड़े ही भाव विभोर होकर के हम यहाँ हैं यहाँ पर, और आज हम रागन कना के जो म्यूजिकल जर्नी रिलीज के बारे में यहाँ है। तो मेरा मानना ये है कि लाइफ इट्सेल्फ इज़ ए म्यूजिकल, और ये जर्नी जारी रहना चाहिए, इसलिए द ग्रेट फिल्म मेकर लेजेंड बोल करके गए राज कपूर साहब के, तो शो मस्ट गो ऑन, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अजहर की बात रखता हूँ यहाँ पर। ये वाकई अजहर भाई साहब का बड़प्पन है जो उन्होंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, मैं सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से कह रहा हूँ कि एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के लिए इतना बोले कि भाई हर एक डायरेक्टर को चांस मिलना चाहिए, हर एक डायरेक्टर को कोलैबोरेट करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर अगर मूव ऑन करता है तो वहाँ भी सपोर्ट करना चाहिए, और हर एक इससे दर्शाता है कि ये आदमी कितना निष्पक्ष है, और इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, और यही चीज़ है जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाती है। और बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि द शो ना जी, आपने गाना देखा, आपको गाना कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक 4 मिनट के सॉन्ग के पीछे पूरी टीम की कितनी मेहनत होती है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ
और जिसे मेहनत करने का चस्का लग जाए उसे रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो हमारी शाहीन जी है ये बैक टू बैक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इनका पहले एक म्यूज़िक वीडियो आया Q2, वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके बाद इश्क गुनाह है देने को उन्होंने शॉर्ट फिल्म किए लालटेन, और अभी ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसा सबको लगता है ब्लेसिंग है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी मेहनत भी है, इनकी टीम की मेहनत भी है। और अगर सॉन्ग की बात की जाए तो नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका जो काम है, इनकी जो मेहनत स्क्रीन पर दिखकर आती है। और ये इतनी प्यारी एक्ट्रेस है ना, ये बिल्कुल पानी की तरह है, जिसे पानी तुझे जिसमें मिलाए उस तेरा रंग वैसा। इनको जिस कैरेक्टर दे दिया जाए पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उन्होंने लास्ट एक म्यूजिक एल्बम किया था, उसका जॉनर था पूरा रोमांटिक, और इसमें रोमांटिक प्लस सैड उन्होंने अपना 100% दिया है, सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हम सबके एंटरटेनमेंट के लिए। इस सीरियसली बहुत अच्छा सॉन्ग। साईं जी आप बताइए कुछ है, अभी डिजाइन भी को मतलब बोलते हैं ना, प्रोडक्शन डिजाइनर भी हैं, कुछ नया क्या होने वाला है इनके साथ में नाज जी के साथ? एक्चुअली मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि नाज के साथ मैंने काम किया है, इवन इश्क गुनाह है जो वो मैं नाज के काम को देख करके ही इश्क गुनाह के लिए मैं रेड एसिड में फर्स्ट टाइम आई थी, और मैंने पूरा इन लोग के ऊपर ही छोड़ दिया था कि आप लोग जैसा डिज़ाइन करो, जो जैसा मुझे आपको लगता है कि स्टोरी बनाओ, तो इन्होंने अपने हिसाब से किया। तो लेकिन बहुत कुछ हम लोग और करना चाहते थे जो नहीं हो पाया, तो वो अभी हमारे माइंड में है, प्लानिंग में है, और इन फ्यूचर हम करेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नाज भी बारीकी से एक एक चीज़ का ध्यान रखती है, सेट पर ध्यान रखती है हर चीज़ का। ऐसा नहीं है कि बहुत से मैंने देखा है, काम किया है कि बहुत से जो है साथ में जो होते हैं लोग हेल्प टीम में, वो वहाँ पे जाके भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका काम क्या है। तो वो ऐसा इनके साथ मुझे बिल्कुल नहीं लगा, तो अच्छा है और हम अच्छा करेंगे आगे। थैंक यू मैम।